जिंदाबाद जिंदाबाद भाई भाई भाई। नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनरों का जो आंदोलन है उसमें आक्रामकता की कमी है और उसको बढ़ाना होगा, तभी जाकर सरकार की नींद खुलेगी। यह साथियों, कई सालों से ईपीएस 95 पेंशनर एनएससी के बैनर तले आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न राज्यों शहरों और यहाँ तक कि दिल्ली में भी हुए, लेकिन सरकार आश्वासन देकर उन्हें टालती रही है। और इसका महत्वपूर्ण कारण ये निकल कर आ रहा है कि आक्रामकता की कमी है और एकजुटता की कमी है। तो इसी को लेकर आज का ये वीडियो होने वाला है। एक महत्वपूर्ण अपडेट हमें प्राप्त हुआ है जो आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक ईपीएस 95 पेंशनर है, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। तो साथियों, यहां पर आप देख सकते हैं ये महत्वपूर्ण अपडेट हमें एक ईपीएस 95 कार्यकर्ता से प्राप्त हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईपीएस 95 आंदोलन की दशा और दिशा देखकर ये लगता है कि इससे सरकार के कान में जू रेंगने वाली नहीं है। बीते दिनों कई सांसदों के साथ मोदी जी से भी मुलाकात की बात सामने आई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि कई सालों से आंदोलन हुए हैं, सांसदों से भी बातचीत हुई है, खुद मुलाकात मोदी जी से भी हुई है, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अब समय आ गया है कि अपनी बात को सभी सांसदों से सामने संसद भवन के गेट पर ज्ञापन दिया जाए और सामूहिक रूप से आंदोलन को आर पार की लड़ाई के लिए तैयार किया जाए, वह भी एक टाइम फ्रेम में, नहीं तो इस अंधी और बहरी सरकार को न दिखाई देगा न सुनाई। मैं भी अपने आप को इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता हूँ। इसके लिए आप सक्रिय सदस्यों से आग्रह है कि मुझे भी मौका दिया जाए। तो साथियों, यहाँ पर मेन बात ये कह रहे हैं कि जो आंदोलन है उसमें अब आक्रामकता लानी होगी और संसद भवन के सामने सामूहिक रूप से आंदोलन करना पड़ेगा और अब आर पार की लड़ाई करनी पड़ेगी, और वो भी एक निश्चित समय में एकजुट होकर। जितने भी पेंशन से जुड़े हुए एसोसिएशन है उनको एक साथ आकर एक ही टाइम फ्रेम में संसद भवन यानी दिल्ली का घेराव कर और आंदोलन करना होगा, तभी ये अंधी बहरी सरकार सुनेगी। था ये इसी तरह से पेंशनर को टालती रहेगी। इसमें ये खुद कह रहे हैं कि मैं अपनी सक्रिय भूमिका निभाना चाहता हूँ और मुझे मौका दिया जाए। यहाँ पर ये कह रहे हैं मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मेरा नाम यूपी सिंह है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सभी पेंशनर्स में एक निराशा का माहौल है, वे गुस्से में भी है क्योंकि इतने सालों से आंदोलन होने के बावजूद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो इसका मोटा कारण क्या निकल के आ रहा है? क्या आक्रामकता की कमी है? क्या एकजुटता की कमी है? और सभी का मानना ये है कि हाँ, ये दो तीन महत्वपूर्ण कारण है जिसके कारण से हमें सफलता नहीं मिल रही है। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट आज के इस वीडियो में हमने शेयर किया कि आप भी इस पर इत्तफाक रखते हैं कि वास्तव में आक्रामक रूप अपना कर और एक ही टाइम फ्रेम में एक साथ आंदोलन किया जाए, सभी एसोसिएशन एक साथ मिलकर, तो बात बनाई जा सकती है और सरकार पर दबाव बनाया जा सकता है। तो साथियों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।